नोएडा पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा अभियान जारी। मुठभेड़ के दौरान किया साथी लुटेरा तेज रफ्तार बाइक पर सवार होकर था लूटपाट और चुनौती की घटनाएं। देर रात सेक्टर 113 पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर लुटेरे समीर को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा जोन के एडिशनल डीएसपी आशुतोष द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो रोकने की बजाय बाइक सवार ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बाइक सवार युवक पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसकी पहचान समीर के तौर पर हुई है। समीर बेहद शातिर लुटेरा है जो तेज रफ्तार बाइक पर सवार होकर लूटपाट और चीनी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने चोरी की बाइक, लूट का मोबाइल और अवैध हथियार भी बरामद किया है। मैं पुलिस की गोली से घायल समीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सर, पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? आज ये शाम को जो चेकिंग रेगुलर हमारी होती रहती है, एफएनजी कट पे चौकी इंचार्ज है, चेकिंग कर रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति काली पल्सर से आता दिखाई दिया। उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो नहीं रुका, संदिग्ध मान के इसका पीछा गया और काफ़ी गाड़ी लेके भागा। पहले तीन मूर्ति की तरफ भागा, फिर लौट के आया। ये टीम पीछा करते रही और पुलिस फोर्स भी आ गई और यहाँ परतला के पास सर्विस रोड जो है इस पे भागने कोशिश में इसकी मोटरसाइकिल फिसली, भागते उसके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है और गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम समीर है, इसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष होगी। इसके ऊपर आधे दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इसके पास एक तमंचा कारतूस बरामद हुई है, एक मोबाइल इसका लूटा हुआ बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल बरामद है जो बिस्तर से वहाँ में चोरी हुई थी और ये अभी 7-8 महीने पहले ही जेल से छूटा है, लगभग 1.5 साल जेल में रह के आया है। इसके अन्य अभियोगों की जानकारी की जा रही है। सर, कोई आपराधिक इतिहास भी है इसका? हाँ, आपराधिक इतिहास है, 6-7 मुकदमे इसके अभी तक याद हुए हैं। और शाम को ही आज इसने एक महिला से एक चेन छीनने का प्रयास किया था जिसमें सफल नहीं हो पाया था, महिला गिर गई थी, उस पर भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। तो इस तरीके से करीब लगभग 7 मुकदमे अभी तक याद है। अन्य अभियोगों की जानकारी की जा रही है।